हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अखबार में पढ़ ही लिया होगा, चेस ओलंपियाड शुरू हो चुका है और शुरू के राउंड्स में भारत का प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा। राउंड टू में भारत का मुकाबला आइसलैंड से था, तो चार खिलाड़ी भारत के, चार खिलाड़ी आइसलैंड के। तो जो मैंने गेम सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, वो दुमाराजु गुकेश की है, जो उन्होंने आइसलैंड के ग्रैंड मास्टर विग्नेर वर्तनर के साथ खेली। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ विग्नेर वर्तनर ने शुरू किया है। गुकेश का रिप्लाई यहाँ Nf6 का आया, देन हुआ C4 E6, Nf3 H6 G3, बिशप से आई चेक। बिशप बीच में लगा उस चेक को रोकने के लिए, वापस चला गया E7 स्क्वायर पर, Bg2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया साउंड ओपनिंग दोनों तरफ से। D5, देन हुआ Qc2 C6, तो रुक आया D1 स्क्वायर पर, Nb goes to D7, बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ A5 Nc3। मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों की बहुत साउंड ओपनिंग चल रही है फिलहाल। Dxc4, नाइट आया D2 स्क्वायर पर, और टारगेट वही है, पॉन को वापस लेने की तैयारी है। ऑब्वियस है, बी पॉन आगे पुश करने का मतलब है कि क्या दिक्कतें आने वाली है वो समझने वाली बात है। Nd5, यहाँ पहले ब्लैक ने चला, उन्होंने कहा कि मैं आपके बिशप को टारगेट लगाने वाला हूँ, पॉन एक्सचेंज इक्वली तो रहेगा। Nxc4 कर, चलो पॉन तो लो, वाइट ने कहा। Nxf4 Gxf4, और यहाँ G5 सेमी ओपन कराने में तो गुकेश कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल है। Nc3, देन हुआ Nf6। व्हाइट के नाइट को भी एक अच्छी आउटपोस्ट में कह सकता हूँ मिल चुकी है। Bd7, देन हुआ E3, बिशप आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ King H1, और किंग के H1 स्क्वायर पर आने का मतलब है रुक का G1 स्क्वायर पर आना श्योर शॉट है। किंग गया H8 स्क्वायर पर, गुकेश ने पहले ही इस बात को भापते हुए अपनी पर तैयारियां शुरू कर दी है। Rg1, Rc8, Re goes to D1, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन नाइट, सॉरी Bf3, मुझे लगा नाइट मूव हुआ। Qe7 स्क्वायर पर, नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे लगता नहीं। मैं कहता हूँ ना अक्सर कि कॉर्नर के नाइट सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि गेम गेम तो यहाँ सेंटर में खेली जा रही है ना, तो कॉर्नर, बल्कि एक बार को H5 G5 के आसपास नाइट हो तो चलता है, लेकिन A5 तो बिल्कुल ही वीक हो जाती है। खैर, रुक आया C7 स्क्वायर पर, Bd3, देन हुआ Qd8, सॉरी, रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन Nd5, और Nd5 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए अब नाइट भी नहीं आ सकता, ये नाइट करेगा क्या A4 स्क्वायर पर, बेकार ही पड़ा हुआ। A3, हाँ A3 A3, ठीक है, नाइट एक्सचेंज, बिशप को एक आउटपोस्ट, कुछ इस तरह से गेम खेलते नहीं खेलते पता नहीं क्या होता। F4 के ऑप्शन को यहाँ पहले गुकेश ने चुना। Qd2 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, फाइनली वो मूव आ चुके, आने शुरू हो चुके हैं जो गुकेश ने प्लान किए हुए। हालांकि गुकेश ने पूरी सफलता हासिल की है G5 को सेमी ओपन कराने में, लेकिन सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना बहुत अलग बात। खैर, Qxa5, एक्स्ट्रा पॉन, और वो भी कॉर्नर का, क्या ये गिफ्ट है गुकेश की तरफ से या वेस्टेज ऑफ मूव है, अब देखते हैं क्या होगा। बिशप आया G6 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट पर अटैक है। मैं कहूँगा गुकेश का पॉन जाना, लेकिन उन्हें यहाँ एक टेम्पो मिलता है और बिशप बिल्कुल ठीक स्क्वायर पर आ जाता है मूव एडवांटेज के साथ। Qd2 स्क्वायर पर, देन Qe8, और अब यहाँ बिशप आप ठीक है, क्वीन की एंट्री भी खुलती है। नाइट Ae goes to C5 हुआ, हाँ क्वीन को आप नहीं हटा पाएंगे। Rg7, Rg5 में आने शुरू हो चुके हैं गुकेश के। Qe2 स्क्वायर पर, देन Rg8, Rc1, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से अगर मैं वाइट की गेम में कहूँ कि क्या वीकनेस है, तो मुझे नाइट अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, और ब्लैक चाहे तो बी पॉन को आगे शुरू करके नाइट को भगाने का काम कर सकता है। आगे इस गेम में इसी तरह से खेला भी गया था, लेकिन फिलहाल बिशप गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ Qd2, Bh7, देन Qi D1 स्क्वायर पर, और क्वीन का D1 स्क्वायर पर आने का मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ इलाज नहीं होना चाहिए। B6, फाइनली नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B3 स्क्वायर पर। मैंने कहा ना ये नाइट बेचारा भटक ही रहा है इधर उधर, क्या करेंगे नाइट के साथ। चलिए G4 हुआ, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ Qh5, और फाइनली फ्रेंड्स अब अटैक लगता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल रखते हैं इस गेम को, यहाँ पर ये H2 पॉन फिलहाल पिन है।
इसका मतलब ये जी पॉन आगे पुश किया जा सकता है, एफ टेक्स जी पॉन होगा और उसके बाद रुक से इस पॉन को यानी G3 स्क्वायर पर रुक आराम से आकर बैठ सकता है। आपको बिशप भी नज़र आ रहा होगा, बस पॉन को बीच में से हटाना है, वो गुकेश इस काम को आराम से कर लेंगे। तो इस सब का डिफेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं कि किस तरह से वाइट यहां अपने जी पॉन का G3 स्क्वायर का डिफेंस कर सकता है, तो मुझे सिर्फ ये नाइट मैन्यूवर ही नज़र आ रहा है। शायद नाइट C1 किया जा सकता था, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, मैं नहीं कहूँगा कि खिलाड़ी कुछ इस तरह से प्लान कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर वाइट ने क्वीन को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ G3 स्क्वायर वीक छोड़ दिया है। गुकेश ने इस बात को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया, एफ टेक G3 हुआ, सीधा रुक टेक G3 हो गया। अब क्या करें, अब नाइट मैन्यूवर देखते हैं एक बार, ज़रा मैं देखना चाहूँगा यार कि अगर नाइट एफ टू बाद, हाँ हो तो सकता है कुछ ऐसा, लेकिन खैर यहाँ पहले खेला गया E4। फ्रेंड्स, E4 मूव नाइट पर अटैक तो बना है, लेकिन आप यहाँ नाइट पर अटैक बनाने के साथ साथ और कितनी वीकनेस इस गेम में खड़ी करने वाले हैं ये आपको नज़र आ गया है। डायरेक्टली नहीं, अभी तो नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर Re8 गोज़ टू G4 पहले गुकेश ने किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको नाइट लेना है, आपको होगा, ज़रा देखें क्या होगा। अगर यहाँ Et Xd5 किया जाता है तो गुकेश को क्या फ़ायदा है, यहाँ फिर क्या करा जाएगा, Bxd3, बिल्कुल D3, नाइट तो वैसे भी हाँ इक्वली हो गया, बात ही ख़त्म हो गई, और दूसरा नाइट बचाना और मुश्किल हो जाएगा, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम होगी। चलिए इसको थोड़ा D6, फिर Bxd6, देन Bxc6 कर लेते हैं, और मुझे दूसरे बिशप, मैं एग्जैक्टली इस मूव को देखना चाह रहा था कि गेम को कितना वर्स्ट कर सकता है नाइट, दूसरा नाइट अभी भी अनडिफेंडेड होगा, तो गुकेश यहाँ पूरा इस गेम की टर्म्स को डिक्टेट करेंगे, स्पेशली क्वीन F2 के अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक तो नहीं देनी है, बिशप है यहाँ पर, नाइट लेना बस किसी तरह से। खैर, और बहुत कुछ था इस गेम में उस नाइट के अलावा भी। यहाँ पर खेला गया Qe2, डायरेक्टली Qe2 स्क्वायर पर गई, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ Nxf4। गुकेश ने उस नाइट को बचाया, बिल्कुल Nxf4, Bxf4 खेला गया। देन फ्रेंड्स, मेरी नज़र में स्पेशली गुकेश यहाँ इस नाइट को लेने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट भी नज़र आ रही है। अब इस चेकमेटिंग थ्रेट या नाइट का डिफेंस दोनों काम कैसे किए जा सकते हैं, बिशप को F3 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन बिशप आप F3 स्क्वायर पर लगा लोगे, पर ऐसा करने के बाद आप क्वीन अपने गवा दोगे। क्यों, यहाँ खेला गया Rxf4, और फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि इसे कहेंगे चेकमेटिंग थ्रेट। अब क्या किया जाए, वो बिशप फ्री ऑफ कॉस्ट मारा गया नाइट पर, अभी भी अटैक खत्म नहीं होता है, और अगर Rxg4 किया गया तो Qxg4, अभी भी आपके साथ वही सिचुएशन हो जाती है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे, और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन वैसे ही बहुत गजब का चल रहा है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।